स्वदेश वाणी आपकी जुबानी। कार शुभ संध्या जोहार, ये है स्वदेश वाणी। आइए डालते हैं आज तक की महत्वपूर्ण खबरों पर एक नजर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। यूएन प्रमुख गुतरेस ने कहा कि कोविड 19 की वैक्सीन, देशों को वित्तीय सहायता एवं जलवायु संकट जैसी इमरजेंसियों पर तत्काल तत्परता दिखाने की जरूरत। डेनियल पर्ल के हत्यारे की रिहाई के आदेश पर भड़का अमेरिका। आइए चलते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट। इस साल 7.7% गिर सकती है जीडीपी, अगले साल 11% बढ़त का अनुमान। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर फिर से बवाल, किसानों और स्थानीय लोगों के बीच पत्थरबाजी, एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मी घायल। आइए चलते हैं अपने झारखंड की खबरों की ओर। लालू यादव को आज भी नहीं मिली जमानत। दुमका कोषागार मामले में सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय। 5 फरवरी को लालू की जमानत पर होगी सुनवाई। रामगढ़ में नाबालिग युवती से दुष्कर्म, पीड़िता ने अपनी भाभी को दी जानकारी, दोनों आरोपी गिरफ्तार। आइए अब सुनते हैं कुछ खबरें खेल जगत से। पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को पाकिस्तान ने 7 विकेट से हराया। 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की ली बढ़त। श्रीकांत लगातार तीसरी हार के साथ विश्व टूर फाइनल से हुए बाहर। ये थी अब तक की खबरें। इसके अलावा अन्य खबरों की जानकारी के लिए आए हमारी वेबसाइट swadeshwani.com पर।